Very good morning, my dear students. My name is Devend Kumar Tiwari. Today I will teach you class 5th English Literature chapter 11, the Four Magician. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को class 5th English Literature chapter 11, the Four Magician को पढ़ाने जा रहा हूँ. So that let us start to read this story. जैसा आप जानते हो, the Four Magician means चार, magician means जादूगर. So that let us start to read it. This is one of the stories that the Dhaman Bhaital told the wise King Vikramaditya. Each story ended with a riddle, and if the king did not answer it enough, though he knew the correct answer, Bhaital threatened that his head would burst into a thousand pieces. However, if he answered, Vaital would vanish and the king would have to catch him once again. Here is one of the stories that he told the king. This is one of the story. Of the stories, कहानियों में से एक कहानी है that the demon Vaital told, जिसको दैत्य Vaital told means कहता है the wise king विक्रमादित्य, बुद्धिमान राजा विक्रमा दित्य से. दिस स्टोरी इज टोल्ड बाई डेमन Vaital टू द इंटेलिजेंट किंग विक्रमादित्य. ईच स्टोरी इंडेड विथ अ रिडल. ईच स्टोरी, प्रत्येक कहानी इंडेड, समाप्त होती थी विथ अ रिडल. रिडल मीन्स पहेलियों से. एंड इफ द किंग डिड नॉट आंसर इट, इफ एंड मीन्स और इफ द किंग डिड नॉट आंसर इट, यदि राजा इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था, इवन दो ही न्यू द करेक्ट आंसर, यद्यपि वह इन प्रश्नों का उत्तर सही जानता था, तो Vaital threatened Vaital उनको धमकी दिया कि दैट हिज हेड वुड बस्ट इन टू अ थाउजेंड पीसेज, कि उसका जो मस्तिष्क है, हेड वुड बस्ट मीन्स फट जाएगा, इन टू अ थाउजेंड पीसेज, हजारों टुकड़ों में उसका जो सिर है वो बट जाएगा. इस बात को Vaital ने राजा विक्रमादित्य से कहा. हाउ एवर इफ ही आंसर्ड, फिर भी यदि वह उत्तर जानते थे तो Vaital would vanish एंड द किंग वुड हैव टू कैच हिम वंस अगेन. इफ ही आंसर्ड, यदि यह उत्तर दिए तो Vaital would vanish, तो Vaital disappear हो जाएगा, खो जाएगा, डिस वैनिश, अदृश्य हो जाएगा. एंड द किंग वुड हैव टू कैच हिम वंस अगेन, और एक बार राजा पुनः उस Vaital को पकड़ लेंगे. सो दैट हियर इज वन ऑफ द स्टोरी दैट ही टोल्ड द किंग. हियर इज वन ऑफ द स्टोरीज, उन कहानियों में से एक कहानी यहाँ पर है, जिस कहानी को ही टोल्ड द किंग. ही मीन्स वह टोल्ड, कहा द किंग मीन्स राजा से, उस कहानी को उसने राजा विक्रमादित्य से कहा. कहानी क्या है? वंस अ मैन नेम्ड कृष्णा स्वामी लिव्ड इन द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र. एक बार कृष्णा स्वामी नाम का एक व्यक्ति पाटलिपुत्र शहर में रहता था. ही एंड हिज वाइफ हैड फोर सन्स, उसके और उसकी पत्नी के चार बेटे थे. हाउ एवर ही भी पोत कृष्णा स्वामी एंड हिज वाइफ पांच डबे, दोनों कृष्णा स्वामी और उसकी पत्नी, पांच डबे मीन्स डाइड, वाइल द चिल्ड्रेन वर स्टिल यंग, जबकि उनके बच्चे कैसे थे, यंग थे, स्टिल यंग. कृष्णा स्वामी और उसकी पत्नी दोनों लोग मर गए जब बच्चे बहुत छोटे थे. दियर ग्रीडी रिलेटिव्स ट्रिक्ड देम आउट ऑफ दियर प्रॉपर्टी एंड द बॉयज वर लेफ्ट पेनीलेस. दियर ग्रीडी रिलेटिव्स, ग्रीडी मीन्स लालची, उनके जो लालची रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, ट्रिक्ड देम आउट ऑफ दियर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी धन संपदा को छल से ले लिए. एंड द बॉयज वर लेफ्ट पेनीलेस, और उन बच्चों को पेनीलेस, पेनीलेस मीन्स पुअर विथ नो मनी,
और उन बच्चों के लिए कुछ भी धन नहीं छोड़े, यानी कि वे बच्चे पूरी तरीके से गरीब हो गए थे। सिंस दे वर यंग एंड डिड नॉट नो हाउ टू अर्न अ लिविंग, वे बहुत छोटे थे इसलिए वो कमाना नहीं जानते थे। दे डिसाइडेड टू गो दियर मैटरनल ग्रैंड फादर्स हाउस, दे मीन्स वे डिसाइडेड निर्णय लिए टू गो दियर मैटरनल ग्रैंड फादर्स हाउस, अपने नाना के घर जाने का उन चारों ने निर्णय किया, मन बनाया कि वे चारों जाएंगे अपने नाना के घर। दे रीच्ड देयर, वे वहाँ पर पहुँचे आफ्टर अ हार्ड जर्नी, काफ़ी हार्ड मीन्स कठिन यात्रा करके पूरी करके वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। बट दियर ग्रैंड फादर वॉज नो मोर, लेकिन उनके जो ग्रैंड फादर थे मैटरनल ग्रैंड फादर, वे जीवित नहीं थे, वो भी मर गए थे। हाउ एवर, फिर भी डियर अंकल्स गेव देम शेल्टर, फिर भी उनके चाचों ने गेव देम उनको दिया शेल्टर मीन्स ठहरने का स्थान। बट डियर अंकल्स गेव देम लॉज एंड द फोर बॉयज कंटिन्यूड विद डियर स्टडीज एंड देन द फोर ब्रदर्स वर सक्सीडेड टू गेट एजुकेशन। As the months passed, जैसे जैसे महीना गुजरता गया, this kind treatment started to wane, इस प्रकार का जो उनके साथ दयालुतापूर्ण ट्रीटमेंट हो रहा था, व्यवहार हो रहा था, वो क्या हो गया, started to wane, wane means decrease, कम होने लगा, यानी कि उनके अंकल का जो स्नेह उनके प्रति वो कम होने लगा। And they were no longer treated well or given enough food for proper class. And means or they were no longer treated. अब उनको अच्छी तरीके से अतिथि सत्कार उनका नहीं होता था। Or given enough food or proper class. और ना तो उनको पर्याप्त भोजन मिलता था or proper class. और ना तो सही तरीके से कपड़े ही मिलते थे। The boy did not know what to do. बच्चे ये नहीं समझ पाए कि वे क्या करें। One day, एक दिन, as they sat together thinking about how to end his pathetic situation. एक दिन वे बैठ करके together साथ में thinking विचार कर रहे थे about how to end this pathetic situation. Pathetic means होता miserable. सैड सिचुएशन मीन्स दशा, अपनी इस दयनीय दशा के बारे में बैठ करके एक दिन चारों ब्रदर्स, वो चारों जो ब्रदर्स थे, विचार कर रहे थे कि वे इस दयनीय दशा से छुटकारा कैसे पाएं। द एल्डेस्ट ब्रदर्स सेड, बड़े भाई ने कहा, वी सेल व्हाट सेल वी डू नाउ, अब हमें क्या करना होगा, व्हाट सेल वी डू नाउ, वी कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस, हम इस तरीके से नहीं रह सकते हैं, हम इस तरीके से जीवित नहीं रह सकते। इट सीम्स टू मी दैट मुझे ऐसा प्रतीत होता है, वी शुड मास्टर सम स्किल्स, कि हमें कुछ स्किल्स ज्ञान में मास्टर हासिल, हमें मास्टर होना चाहिए, एक्सपीरियंस हमारे अंदर होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। Which will help us, जो हमारी मदद करेगा, to earn, कमाने में a lot of money, अधिक धन, जो हमें अधिक धन कमाने में हमारी मदद करेगा। And be free of our present problems, and brief, be free, free means आज़ाद कर देगा, of our present problems, और जो हमें हमारी वर्तमान, ठीक ना, समस्या को क्या करेगा, दूर कर देगा। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी, द रिमेनिंग स्टोरी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो दैट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।